है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो थोड़ा अलग है ब्लॉगिंग से, क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ 4 टाइम इस चैनल पे अनबॉक्सिंग। तो आप सोच सकते हैं कि अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आप, तो आज मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग एक शूज़ का, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से। तो इससे पहले मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था एक शूज़ का, कैंपस का, उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है और अभी भी मिल रहा है। तो आप लोग की उसी वीडियो का जो है रिक्वेस्ट की वजह से, तो और एक जो है शूज़ का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज कौन सा शूज़ का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। आज करने जा रहा हूँ मैं एशिया का क्रिस्टल 2। वो शूज़ का आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि उस शूज़ का जो आप अनबॉक्सिंग वीडियो लाइए, रिव्यू वीडियो लाइए। रिव्यू तो मैं आज नहीं ले सकता, फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। रिव्यू में 1 वीक यूज़ करूंगा, उसके बाद उसका रिव्यू वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो होगा अनबॉक्सिंग, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, दिखने में कैसा है, कौन सा कलर है, कौन सा कलर अवेलेबल है, उसका क्वालिटी के ऊपर मैं आज का वीडियो जो है बनाऊँगा और दिखाऊँगा कैसा क्या है, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों से जैसे बोला था कि एशिया का एक जो शूज़ में मंगवाया हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से, तो आप लोगों के सामने है। तो इसका बॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो नॉर्मल सा शूज़ का जैसा बॉक्स होता है वैसे ही है, तो काफ़ी टूटा फूटा बॉक्स है, पता नहीं कैसे भेजा है। तो इसका कितना लिया है, तो टोटल जो कलर आता है इसमें 3 कलर आता है आपका, एक ब्लू, मेरून और एक जो है ब्लैक आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बॉक्स में, तो आप लोगों को बताते हैं। बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा इसका स्लोमो दिखाते हैं, ठीक है। स्लोमो आप लोगों को कैसे लगा, जो सिनेमेटिक शॉट थोड़ा डाला था, तो आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा उसी खातिर। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो ये शूज़ जो है मंगवाया हूँ एशिया का क्रिस्टल 2, तो इसका लुक आप देख सकते हैं कैसा है। तो इसके अंदर एक जो है बबल जैसा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है आप नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट है, तो एक इसमें एक्चुअली ख़ास बात ये है, इसमें जो है शॉल है 3 लेयर है इसमें, तो आपका 3 लेयर शॉल दिया है, इन मिडिल और जो है ट्रांसपेरेंट शॉल है इसके अंदर जो है, तो काफ़ी स्मूथ है और कंफर्टेबल भी है। लेकिन ये जो है थोड़ा हार्ड है, जो पहले वाला जो शूज़ था वो थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन इसका जो है नीचे का जो शॉल है ये थोड़ा हार्ड है। और इसका जो है लाइट वेट, एकदम से लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है। तो अभी कंपनी क्लेम करते हैं आपका जो है 500 ग्राम जो है इसका जो है उसका वेट। तो इसमें एक्चुअली कलर जो आते हैं 3 कलर आते हैं, एक जो आपका फिरूजा, ये ब्लू कलर जो है एक्चुअली फिरूजा कलर बोलते हैं इसे, और एक तो आता है आपका मेरून और एक ब्लैक कलर आता है। तो 3 कलर आता है, तो मैं ब्लू कलर जो है थोड़ा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ब्लू कलर मंगवाया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा है, और इसका ऊपर जो है ये आपका जो है कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा का है, इसीलिए ये जो है थोड़ा आपका हल्का है, लाइट वेट है। और कंफर्ट कैसा है वो मुझे अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इसे अभी यूज़ नहीं किया हूँ। तो इसे मैं 1 वीक यूज़ करूँगा, तो 1 वीक यूज़ करने के बाद इसका फुल मैं रिव्यू वीडियो लाऊँगा। पहले वाला जो वीडियो लाया था रिव्यू वीडियो, वैसे मैं इसका भी फुल रिव्यू वीडियो लाऊँगा। देखिए आप लोग का काफ़ी सारा लोग जो है कमेंट करते हैं कि रेगुलर यूज़ कर सकते हैं या रनिंग के लिए, जिम के लिए तो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए, उसके लिए मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके मैं आप लोगों को उसका रिव्यू में दे पाऊँगा। और इसका जो है लाइट वेट है, एक ख़ास बात है, आप ये जो है रनिंग के लिए काफ़ी जो है कंफर्ट होगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है। और जिम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो भी मैं बताऊँगा रिव्यू वीडियो में। तो मैं इसे 1 वीक पूरा जो है यूज़ करूँगा ऑफिस के लिए, पूरा मैं 7-8 घंटा पहना रखूँगा, और कैसा कंफर्टेबल लगता है मुझे, और पैर पे पसीना आएगा कि नहीं वो भी आप लोग पूछते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा पूरा यूज़ करने की बात। आपका कलर जो है 3 कलर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 3 कलर आता है। तो स्पेशली मुझे ये कलर पसंद आया, और इसका जो है
रिव्यू जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। वन वीक के अंदर मैं इसका रिव्यू लाऊंगा। और इसका डिज़ाइन देखिए कैसा डिज़ाइन है इसका, जो है पूरा क्रिस्टल जैसा यहाँ पे, और अंदर जो है पूरा आपका जो है क्रिस्टल जैसा जो है बुलबुला टाइप का है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट है, इसे जो है थ्री आपका जो है तीन शोल्ड है इसके अंदर। तो कंपनी क्लेम करता है एक आपका ऊपर है इन मिडिल और एक जो है नीचे वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट फेस है। और ये थोड़ा हार्ड है, मुझे एक्सिस यही ख़राब लगा, तो ये थोड़ा हार्ड है, ये जो है थोड़ा हार्ड ज़्यादा ही है, क्योंकि ये जो कैंपस वाला शूज़ था आप लोग जो कोई भी देखे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट था, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं था। ये यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा। आप देख सकते हैं ये जो है वाइट वाला है ये सॉफ्ट है, और ऊपर ये जो है ये आपका प्लास्टिक का है आपका जो है, और इसका फैब्रिक जो है काफ़ी ठीक ठाक है ऊपर, तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे अभी जो दिखने में, लेकिन यूज़ करने की बात मुझे पता चलेगा कैसा है कि नहीं। तो आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू में ला के दूँगा इस शूज़ का। जो कोई भी आप लेना चाहते हैं क्रिस्टल टू एशिया का, तो इस वीडियो यदि देखेंगे, देख के आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, ठीक है ना। फ्री है सब्सक्राइब करना, उस पर पैसा नहीं लगता है। तो रिव्यू वीडियो जब आ जाएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों को लिए ये लेना सही है कि गलत है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक अनबॉक्सिंग सा वीडियो लाया था छोटा सा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, क्योंकि इसका रिव्यू वीडियो आने वाला है जल्द से जल्द, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं और एक नया फ्रेश वीडियो लेके आपका एमएस भाई आएगा जल्द से जल्द। तो आज के लिए ही एंड करते हैं, मिलते हैं नया और एक वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।